हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स प्रोफेसर में। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनली ये एक्सरसाइज भी आ गई है। देखो बच्चों, जैसे हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था तीन तरीके से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन द बाय पार्ट, वैसे इसके भी तीन तरीके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, पहला मेथड है इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा मेथड है इसके अंदर होमोजीनियस इक्वेशन का, और तीसरा जो तरीका है वो है इफ वाला मेथड, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीन तरीके डिफरेंशियल इक्वेशन आप बच्चे इसके अंदर पढ़ोगे। मैं एक बार फटाफट बोर्ड पे लिख देता हूं। देखो तो पहला तो इसके अंदर है वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड। कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल। आप ये कह सकते हो कि ये जो मेथड है ना, सभी की जान है। जो बाकी जो दो मेथड होंगे उन दोनों मेथड की एक तरह से जान ही है। जैसे सब्स्टिट्यूशन एक तरह से एकदम बेसिक मेथड होता है, वैसे आप समझ लो कि वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, लगभग 10 में से 7 या 6 सवाल तो ऐसे होते हैं, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें आपको ये सेपरेबल यूज करना ही पड़ सकता है। लीनियर में तो मोस्टली चांस नहीं होता है, लेकिन होमोजीनियस में तो 10 में से 10 के 10 क्वेश्चनों में आपको वेरिएबल सेपरेबल करना ही पड़ेगा। तो होमोजीनियस एक्चुअली में एक स्पेशल केस है वेरिएबल सेपरेबल का। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 0, है ना। ये मेरे पास कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, एक बात और बताऊं, जब भी हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वैसे तो होते ये 3, 4, 5 ऑर्डर तक भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली जो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, और सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर नहीं है सिलेबस के अंदर। इतना मत घुस जाना कि आप सेकंड थर्ड करके जा रहे हो। नो बेटा, अभी नहीं करना है वो आगे जाके बहुत पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे। ठीक है, जब आप बीटेक करोगे या फिर जब मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तब उसमें आपको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर वगैरह सब आपको करना पड़ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसी के हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन बच्चों इस तरीके का होता है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेबल की बात करते हैं। अब देखो यहीं से समझ आ रहा है कि ये वेरिएबल है और सेपरेबल करना है, यानी वेरिएबल को सेपरेट करो। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल सेपरेट किया जाता है। यानी कि वाई की टर्म सारी की सारी जो वाई की टर्म है, सारे वाई के वेरिएबल एक तरफ, सारे एक्स के वेरिएबल एक तरफ, यानी सारे y के वेरिएबल एक तरफ कर देना है और सारे x के वेरिएबल एक तरफ कर देना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। तो बच्चों सबसे पहला जो केस होता है, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है ना, यहाँ पे दो टर्म है, एक और दो, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव में। अब बच्चों जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो ये, और आपको अगर ना पता चले कि ये होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है या फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले सबसे पहले आप dy by dx निकालो। पूरे क्वेश्चन का थीम ही यही है कि आपको सबसे पहले dy by dx निकालना है। क्या निकालना है? dy by dx। अब आप चेक करो कि क्या सारी y की टर्म एक तरफ हो सकती है, क्या सारी x की टर्म एक तरफ हो सकती है, मतलब एक तरफ पूरा y और एक तरफ पूरा x, ऐसे आपको देखना है। अब जैसे इसमें देखो, यहां पे dy है और यहां पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, बेटा है तो मल्टीप्लाई में, तो आपको ये, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप dy प्लस करके 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दे रहे हो, बेटा ये गलत है। हमेशा क्या हुआ, या तो मल्टीप्लाई या फिर इसके डिवाइड में होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ सिंगल टर्म होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स हो बेशक से, लेकिन दोनों तरफ केवल सिंगल टर्म होनी चाहिए, दो टर्म यानी कि दो टर्म नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओनली मोनोमियल होना चाहिए दोनों तरफ, बाइनोमियल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, और ना ट्राइनोमियल होना चाहिए, यानी केवल सिंगल टर्म होनी चाहिए दोनों तरफ, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन प्लस माइनस नहीं होना चाहिए दो टर्म का। अब देखिए बच्चों क्या करना है, पूरा वाई एक तरफ और पूरा एक्स एक तरफ करना है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, आई कैन राइट दिस ऑफ कोर्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dx, कैन आई राइट दिस,
है ना, क्या मैं इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, देख सकता हूं ना बच्चों। अब आप देख सकते हो कि इसमें इसमें क्या हो रहा है भाई, x की जितने भी वेरिएबल है सारे एक तरफ, y की जितने भी वेरिएबल है सारे एक तरफ, है ना। तो x के एक तरफ सारे वेरिएबल, y के वेरिएबल भी सारे एक तरफ। तो ऐसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं मेथड से, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, x के सारे वेरिएबल एक तरफ ले गया, y के सारे वेरिएबल एक तरफ लेके आ गया, और फिर मैंने देखा कि भाई ये क्या हो गया, यानी कि दो टर्म बन गई यहाँ पे, एक सिंगल टर्म ये रही और एक सिंगल टर्म ये रही, है ना। तो बच्चों इक्वल के साइड में, लेफ्ट साइड में x की टर्म सारी एक तरफ हो जाएगी और y की टर्म सारी एक तरफ हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो आपको वेरिएबल सेपरेबल का पहला मेथड ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। तो आपको ये चेक करना है कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो कुछ तिकड़मबाजी करो, सॉल्व करो और चेक करो कि कहीं और रिड्यूस करने पे क्या पता हो जाए, हाँ तो रिड्यूस भी करना आना चाहिए। तो बच्चों वेरिएबल सेपरेबल जो पहला मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, सारे जो x के वेरिएबल y के वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेते हैं। एक बार मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, वेरिएबल सेपरेबल में बच्चों x की वेरिएबल सारे एक तरफ, y के वेरिएबल सारे एक तरफ करके फिर सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि dy और dx ऊपर है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, एल्गोरिथम है बच्चों ये, अब इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, वो जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, कॉन्स्टेंट सी आएगा। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल को एक बार अच्छे से जनरल तरीके से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक और बार एग्जाम्पल दूंगा एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल है, तो आप सबसे पहले चेक करोगे गो फॉर कि कहीं क्या इसमें हम सारे वेरिएबल को एक तरफ कर सकते हैं, कि जो सेम वेरिएबल है, जो लाइक वेरिएबल है, क्या हम उसको एक तरफ लेके आ सकते हैं या नहीं, और नहीं हो पा रहे तो रिड्यूस करो, हो सकता है होमोजीनियस हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। वी विल डिस्कस द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो चलिए एक बार मैं इसको जनरल तरीके से समझा देता हूं बच्चों। मान लो मेरे पास कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे ये फंक्शन जो है x का x वेरिएबल का है और ये फंक्शन y वेरिएबल का है, यानी ये x जो है f जो x का फंक्शन है और ये वाला f y का फंक्शन हो गया। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरफ लिख दोगे, यानी कि y वाली टर्म एक तरफ कर दोगे, जहां पे भी फंक्शन में y आ रहा है वो सारा एक तरफ, और जहां भी फंक्शन में x आ रहा है वो सारा एक तरफ। और अब आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, क्या कर दोगे आप, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। पहले वेरिएबल सेपरेट करोगे, x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ सारी, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। अब देखो मान लो बच्चों, इसको मैंने इंटीग्रेट किया और इसको स्मॉल f ले लेते हैं, इसको भी स्मॉल f, ठीक है, और मैंने सपोज इसको मैंने इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने पे क्या आ गया बच्चों, एफ वाई आ गया, कुछ भी आ सकता है, एफ वाई आ गया, ठीक है, लेकिन वाई की टर्म में आएगा। और मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, एफ एक्स हो गया। अब देखो जब आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट भी आता है, यानी सी लगाते हो, क्यों, क्योंकि बच्चे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेट करते हो उसके अंदर, ये ध्यान रखना। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप बखूबी बहुत सारा पढ़ के आ रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, है ना। अब देखो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है, इसलिए एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। अब दूसरी बात समझो यहां पे, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। यानी कि आप किसी भी प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी जो फंक्शन मिलेगा, वो क्या होगा, एक जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या बोलेंगे इसको हम, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। अब सपोज मान लो आपको बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए भाई, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाए, तो वहां पे आप सी निकाल लोगे, तो इसको क्या बोलोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलोगे, जहां पे आप कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, यानी जो भी आपको इनिशियल कंडीशन
गिवन होगी एक्स और वाई की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जरा वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से क्वेश्चन को, और क्वेश्चन की शुरुआत बड़ी अच्छी है, बड़ा सिंपल सा एक सवाल है 9.4 एक्सरसाइज का। फर्स्ट इन्होंने ऑलरेडी क्या गिवन है, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है हमें कि dy by dx, ऑलरेडी हमें गिवन है dy upon dx equal to 1 minus cos x by 1 plus में cos x, ये हमें गिवन है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट द वेरिएबल हो रहा है। बच्चों देखो जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि मैं x की टर्म्स आधी एक तरफ ले जाऊं और y की टर्म्स आधी एक तरफ ले आऊं, हो सकता है, इज इट पॉसिबल? आपको सर साफ साफ दिख रहा है राइट साइड में सारे जो फंक्शन है, यानी जो यहाँ पर राइट साइड में जितने भी टर्म्स है सब में टोटली एक्स ही दे रखा है और कुछ नहीं गिवन है, तो बस आपको dx यहाँ लेके आ जाना है बच्चों, है ना। तो क्या करोगे, dy equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x into में dx, हो गया बच्चों वेरिएबल सेपरेबल, हो गया ना, dy एक तरफ हो गया और dx और x पूरा हो गया, यानी y की टर्म एक तरफ और x की टर्म एक तरफ। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करोगे dy इक्वल टू 1 माइनस cos x 1 प्लस में cos x dx हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, चलो मैं इसको एक चीज और है कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट आपको बखूबी आप करते आ रहे हो 7 चैप्टर से ही, है ना। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी आपको। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुले जो याद है भाई, जो फॉर्मुले दे रखे ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में, उसी फॉर्म में लेके आना है कैसे भी करके। आपको साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सबका फॉर्मुला पता है, इनका इंटीग्रेशन बहुत बखूबी पता है, ठीक है। आपको टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, sec स्क्वायर का पता है, cosec स्क्वायर का भी पता है, बट cosec x tan x का cosec x cot x का भी पता है और sec x tan x का भी इंटीग्रेशन पता है, इनटू वाली बता रहा हूं मैं। लेकिन 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 क्या, tan स्क्वायर का cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, रिड्यूस करना पड़ेगा, इसका भी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, तो रिड्यूस करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जहां ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखती है सिंप्लीफाई इट। तो बच्चों बहुत कॉमन फंक्शन है, बहुत बार बताता आ रहा हूं कि इतना कॉमन फंक्शन है ये, ठीक है, कि लगभग हर पांच में से जो भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तीन या दो सवाल में यूज होता है बिट्टा, यानी दस में से छह सवालों में लगभग ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एक बार लिख देता हूं मैं, मुझे पता है याद तो होगा नहीं, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आइडेंटिटी है बच्चों। तो भाई y का dy का डेरिवेटिव y हो जाएगा। और हाँ एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाओ c लगाओगे तो हमेशा x वाले की तरफ लगाओगे, जहां पे कांस्टेंट लगाना, अगर आपको कांस्टेंट लिखना है तो जहां पे आप x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो वहीं पे आपको c लगाना है, मतलब इस वाले टर्म में ही c लगेगा। 1 माइनस cos x क्या होता है बच्चों, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा इंटू डी एक्स, टू से टू कट गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, अब टेन है यहाँ पे, टेन को आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वाई क्योंकि आपको टेन स्क्वायर का डायरेक्ट, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का tan x by 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 by 2 है, भाई x by 2 का मतलब क्या हो गया, 1 by 2 हो गया ना, x by 2 का मतलब क्या है, 1 upon 2 into में x, यही तो हो गया ना। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 by 2 है। भाई जब इंटीग्रेट करते हैं जो भी x का कोफिशिएंट होता है फंक्शन में, ठीक है, ऐसे केस में तो वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है, 1 by 2 डिवाइड में आ जाता है, और माइनस में वन, वन का इंटीग्रेशन सॉरी एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी। तो वाई की वैल्यू बच्चों आ गई टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, चूंकि चूंकि यहां पे केवल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है, दैट्स व्हाई। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन By using the variable separable method। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चनों की लड़ी लगेगी बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
देखिए डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे? इंटीग्रेट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, आई मीन दैट आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो कंप्लीटली भाई, वाई की टर्म एक तरफ कर दो पूरी और एक्स के एक तरफ कर दो, लेकिन एक्स तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है डीएक्स में, और यहाँ पे क्या है वाई इसमें दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों डी वाई और अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर को आप एक तरफ लिख लोगे, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा डी वाई अपॉन फोर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब कर दो बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेट, है ना, पहले क्या किया वेरिएबल सेपरेट किया फिर इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है बच्चों, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है, है ना। तो बच्चों कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में टू, सॉरी y अपॉन में टू, क्या हो जाएगा y अपॉन में टू हो जाएगा। अब देखिए 4 है ना भाई, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए नीचे 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों वन डॉट dx होता है, और यहाँ पे अगर खाली जगह है ठीक है और केवल dx का इंटीग्रेट कर रहे हो तो x हो जाता है, ये ध्यान रखना। और प्लस में क्या लगाओगे? c, बताया था ना c वहीं पे लगेगा ठीक है जहां पे x होगा, हमेशा c x की तरफ लगाना है आपको, ये ध्यान रखना। तो बच्चों थोड़ा और सॉल्व कर लो, y अपॉन टू इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी टू साइन एक्स प्लस में सी, लिख सकते हैं ऐसा हम भाई, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फंक्शन आ जाएगा, टू से क्रॉस इनटू कर दिया, तो इस तरीके से ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, देखो काम मेरा इतना समझाना था, बाकी इसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी करते आ रहे हो ठीक है, सेवन चैप्टर में बहुत सवाल किए हैं ठीक है, अगर आपने इतना भी कर लिया है उसके बाद आपको इतना तो आता ही होगा कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना है। फॉर्मुले वॉर्मुले आपको याद होने चाहिए सारे, क्योंकि बिना फॉर्मुले के मैथ्स नहीं हो सकती है भाई, बिना फॉर्मुले के तो कुछ भी नहीं हो सकता है ठीक है। मैथ्स का एक तो मैथ्स है क्या, वैसे मैथ्स फॉर्मुले से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जो लोग कहते हैं कि बस फॉर्मुला याद कर लो तो मैथ्स कंप्लीट, नो मैं नहीं मानता इस बात को कि मैथ्स में आप सिर्फ फॉर्मुले लगा के मैथ्स सॉल्व कर सकते, नो मैथ्स में जनरली फॉर्मुले से बहुत सारी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि मैथ्स में इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, बहुत गलत बात, बहुत गलत सोच है। मैथ्स में एक्चुअली में सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों मैथ्स को करने, किसी भी मैथ्स का कोई भी सवाल हो उसको करने का एक रूट नहीं होता है, और मैथ्स बहुत सारी चीजें डिफाइन करती है, इसलिए मैथ्स को सभी सब्जेक्ट्स का डिपार्टमेंट बोला जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि मैथ्स के बिना तो आप साइंस को कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर सकते भाई, नेचर को समझ नहीं सकते। नेचर को कौन कैसे समझते हो आप भाई? नंबर में समझते हो आप, और ये नंबर कहाँ से आता है? मैथ्स की कैलकुलेशन से आता है। चाहे फिजिक्स का कोई भी सवाल करो, कोई भी फिनोमेना पढ़ो ठीक है ना, चाहे एक रेन ड्रॉप पढ़ रहे हो, स्फेरिकल शेप पढ़ रहे हो, सरफेस टेंशन पढ़ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हो ठीक है, या कोई भी इकोनॉमिक का सवाल कर रहे हो ठीक है ना, आप पॉपुलेशन ग्रोथ भी पढ़ रहे हो ठीक है, इवन मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हो, रेवेन्यू निकाल रहे हो ठीक है, केमिस्ट्री में आप कुछ भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो आप ठीक है, चाहे इवन मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो भाई, मैथ्स के बिना पॉसिबल है? आप मोलैरिटी बता देते हो ठीक है भाई, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी, बट इस मोलैरिटी को आप बताओगे कैसे कि भाई कितनी कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी क्या है, ये कहां से लेके आओगे? बच्चों इसी में तो मैथ्स आ जाती है, और ये नंबर हमें बताता है भाई चार नंबर है, अच्छा 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 ये चार हो गया इतना बड़ा है, अरे सौ नंबर है और इतना बड़ा है, तो ये क्या है? ये मैथ्स ही तो है बच्चों जो हमें ये बताता है कि भाई इसके बिना रेली में हम नेचर को भी नहीं समझ सकते हैं ठीक है। नेचर की तो जो जो लिमिटेशन है वो मैथ्स के बिना तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मतलब अनलिमिट, जैसे हम नेचर को समझते हैं ठीक है, तो अगर मैथ्स ना हो तो नेचर की लिमिटेशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही लिमिट हो जाएगी, एंड नेचर को हम समझ ही नहीं पाएंगे इतना, बस ओनली थ्योरी थ्योरी देके चले जाएंगे। लेकिन मैथ्स होगा तो क्या होगा भाई? मैथ्स की वजह से हम नेचर को और एक्सपेंडली समझ पा रहे हैं। ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, ओ बिलियन ईयर्स यूनिवर्स, इतना बड़ा, इतना चौड़ा यूनिवर्स है, अरे एक यूनिवर्स नहीं बहुत सारे यूनिवर्स है, इनफाइनाइट यूनिवर्स है, कहां से आ रही है सारी बातें? मैथमेटिक कैलकुलेशन से आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थ्री की ओर, बहुत बातचीत होगी इन बातों पर।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, क्या करना है भाई, वेरिएबल सेपरेट करना है, बिल्कुल वही तरीका देखना अपनाना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई, कैन आई राइट दिस? ऑफ कोर्स सर, यू कैन राइट दिस, बिल्कुल। अब क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। अब वेरिएबल सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वन माइनस वाई इधर आ जाएगा, डी वाई बट्टा में वन माइनस वाई बराबर डी एक्स हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेट कर दोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग वन माइनस वाई। बच्चे इसका अक्सर गलत इंटीग्रेशन कर बैठते हैं, उनको इस बात का आभास ही नहीं होता है कि जो आंसर वो लिख रहे हैं वो गलत आंसर लिख रहे हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे y का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन है भाई, ये माइनस वन कहाँ जाएगा, कित जाएगा यो माइनस वन, यो माइनस वन डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, यानी यहां पर माइनस आ जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो प्लस ही हो जाएगा ना, ये माइनस एक काम करो यहां भेज दो, इस माइनस को यहां पर भेज दो, तो क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। देखो सी को आप माइनस लिखो चाहे सी को प्लस लिखो, सी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दोनों तरफ क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल ले लो, क्या करोगे बच्चों, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लोगे, दोनों तरफ क्या करोगे एक्सपोनेंशियल ले लोगे। अब एक्सपोनेंशियल से लॉग क्या उठ जाता है, कट जाता है, है ना, तो वन माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस सी, लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे। अब एक्सपोनेंशियल माइनस सी को आप सी लिख दो, यस इसको आप सी लिख सकते हो, यानी कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाले कॉन्स्टेंट पे। तो वाई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी वन माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। देखो ये वाई है वहां गया प्लस, इसको मैंने सी लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या सी लिख दिया, इसको इधर लेके आ गया तो वन में से घट जाएगा, तो यही तो लिख दिया मैंने। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर x tan y dx, sec स्क्वायर y tan x dy बराबर जीरो, जीरो कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर फोर है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.4 का। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एक बात बच्चों मैं बताऊं, जो 9.4 है इससे शायद ही सवाल आए, बिल्कुल आ सर ये क्या बोल रहे हो, फिर क्यों करा रहे हो, नहीं आएगा तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि जो टीचर या जो सीबीएसई वाले जो सवाल देते हैं ना उठाकर, वो जनरली ऐसे सवाल उठा के देते हैं जिनमें आप लगभग सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सको, वेरिएबल सेपरेबल भी लग जाए, होमोजीनियस इक्वेशन भी यूज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे वो सवाल उठा के देते हैं मोस्टली। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, इट्स अ बेसिक मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो हम करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी वेरिएबल सेपरेबल होगा। हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन 100% आना है, और बता दूंगा लगभग चार पांच क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से एक आ ही जाएगा। सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पर होना चाहिए। ये तो बहुत ईजी है, इट जस्ट लाइक च्यूइंग पीनट। चलिए अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। सारी एक्स की टर्म एक तरफ ले जाओ, सारी वाई की टर्म एक तरफ लेके आ जाओ, है ना, यही तो करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो टेन वाई है और डी, अच्छा डी एक्स है यहाँ पे, है ना, सॉरी। तो बच्चे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ना रीअरेंज करके लिख रहे हैं। पहले मैं वाई वाली टर्म लिखूंगा, sec स्क्वायर वाई और डी वाई, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ sec स्क्वायर वाई और डी वाई। अब ये जो tan y है इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो बच्चे कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो जरा tan y यहां डिवाइड में चला गया, है ना, तो यानी sec square y dy upon tan y। भाई यहां तो दोनों तरफ dx ऊपर रहना चाहिए,
dx और dy हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं आ सकता। अब क्या करना है, यहां पे क्या है बच्चों, sec square x into में dx, यहां पे क्या है sec square x into dx, यहां क्या बचा tan x, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी ऐसे लिख दोगे, लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर। अब बच्चों देखो, ये सवाल बन गया इंटीग्रेशन का पहले मेथड से, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पे अगर हम देखें, जो tan y है, जो tan y है ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये है, tan y फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये है, ये ध्यान रखना। यहां पे tan x फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, tan x फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला हो गया। तो यहां पे क्या करोगे बच्चों, पुट कर दोगे, tan y को u लेट कर लो और यहां पे tan x को क्या लेट करोगे, v। अब देखो यहां पे दो अलग अलग वेरिएबल है, तो इसलिए आपको यहां पे अलग अलग वेरिएबल ही लेट करना पड़ेगा। tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर y इंटू में dy इज इक्वल टू du, आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहां पे x के रिस्पेक्ट में करोगे sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dv हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर y और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, बस कर दो सब्स्टिट्यूट बच्चों इसकी जगह। तो बच्चों इसकी जगह तो आ गया du और नीचे आ जाएगा only u, सेम हेयर इसकी जगह तो आ गया बच्चों dv और नीचे क्या आ जाएगा v, 1 by u का डेरिवेटिव log u, ठीक है, और 1 by v का डेरिवेटिव log v और प्लस में log c। अब ये log c क्यों लिख दिया, देखो बच्चों अगर सारी टर्म log है तो बेटा कांस्टेंट भी log में ले लेना, अगर सारी टर्म्स लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेना, ठीक है ना, तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो ये तो हो गया लॉग यू, अब इन दोनों को जोड़ लो, जमा कर लो, तो जमा करने पे क्या हो जाएगा, लॉग बी सी हो जाएगा, लॉग ए, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, प्रॉपर्टी है ये बेटा, लॉग से लॉग कट गया, तो यू क्या आ गया यहाँ पे बी सी के बराबर। U की जगह आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दो tan y, U की जगह क्या आ जाएगा बच्चों tan y, और V की जगह क्या आ जाएगा tan x, V की जगह क्या आ गया tan x और इंटू में C भी हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan y upon tan x is equal to C, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan y इंटू में cot y cot x equal to c। चेक कर लो आपका आंसर कौन सा है, ठीक है, और इनमें से आप कोई भी आंसर लिख के आ सकते हो। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन बच्चों, इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, अदरवाइज आई होप सो यही आंसर इसका होना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपको क्या करना है, पूरी एक्स की टर्म एक तरफ, वाई की टर्म एक तरफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, sec स्क्वायर x इनटू में tan y इनटू dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y इनटू में tan x dy। अब क्या करना है बच्चों, वेरिएबल सेपरेट करना है, सारी एक्स की टर्म एक तरफ, सारी वाई की टर्म एक तरफ कर देना, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखो, यहां पे क्या dy है और sec स्क्वायर y है, पहले मैं इसको लिख देता हूं sec स्क्वायर y इनटू में dy। अब ये tan y दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या होगा, यहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपॉन में tan y। अब यहां पे क्या sec स्क्वायर x dx है बच्चों, तो sec स्क्वायर x dx इस tan x को यहां ले जाके डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों, ये जो tan x है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो माइनस साइन है ना, देखो माइनस है चाहे कांस्टेंट है, कुछ भी अगर नंबर वगैरह है, सब एक्स की तरफ लिखना है आपको, कहां लिखना है, सारी टर्म एक्स की तरफ लिखना है, यहां पे माइनस लगा देना। अब कर दो बच्चों दोनों का इंटीग्रेशन यहां पे, अब आप यहां पे देख सकते हो कि देखो टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई होता है, सेम टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो एक तरह से ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव,
तो क्या करोगे आप फंक्शन को टी पुट कर दोगे, यानी टेन वाई है तो आप इसको यू पुट करना बच्चों, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये वाई और एक्स दो अलग अलग वेरिएबल है इसलिए आपको यू वी ही लेट करना पड़ेगा। सेम यहां पे क्या करोगे आप टेन एक्स को आप वी पुट कर दोगे, भाई इसका डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी यू हो जाएगा। सेम इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों, यानी कि इसमें हम यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों ये इसकी जगह तो आ गया यहाँ पे डी यू और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों यू आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा डी वी अपॉन में वी। अब वन बाई यू का डेरिवेटिव बच्चों लॉग यू होता है और यहाँ पे वन बाई वी का डेरिवेटिव होता है लॉग वी और प्लस में लॉग सी। देखिए अगर सारी टर्म्स लॉग में है तो जो कांस्टेंट आप लिखोगे उसको भी लॉग में लिख देना, सारी टर्म अगर लॉग में आ रहे तो कांस्टेंट को भी लॉग में रख देना, उसको क्यों बिचारे वैसे छोड़ दो, इसको इधर लेके आ जाओ बच्चों। तो लॉग यू प्लस लॉग वी हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग सी हो गया। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा लॉग यू वी इक्वल टू लॉग सी। लॉग से लॉग कट गया बच्चों यहाँ पे, तो u इंटू वी क्या हो जाएगा सी और uv को आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दो tan y और tan x से, तो बच्चों ये तो हो गया tan x इंटू में tan y इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। चलिए अगला सवाल करते थे, मैंने इससे पहले जो कराया था वो मैंने यहाँ पे बराबर का साइन कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया प्लस था यहाँ पे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हमें उसका भी परसेप्शन मिला है, उसका भी एक तरह से एक्सपोजर मिला है कि भाई यहाँ चलो अगर यहाँ पे प्लस माइनस साइन होता तो उसका आंसर टेन टेन बाई इंटू कॉट एक्स की फॉर्म में आ जाता। क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव कुछ ऐसे है, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डीवाई माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डीएक्स इक्वल टू जीरो। फटाफट से वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं बच्चों इनके, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डीवाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे बच्चों वेरिएबल एक तरफ, देखो यहाँ पे पूरा एक्स है तो इसको इधर ले जाओ, ओनली वाई रह जाएगा, यानी सारी x की टर्म एक तरफ y की टर्म एक तरफ, वही मेथड जो हम करते आ रहे हैं। सो एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x अपॉन में एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x dx, दोनों तरफ कर दो बच्चों इंटीग्रेट। क्या करोगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब यहां पे कैसे करें इंटीग्रेट, अब बच्चों देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल x और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन होगा। भाई इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स हो जाएगा, यानी यही फंक्शन आ जाएगा। तो ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, तो ऊपर वाला नीचे वाले फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव। तो बेटा यहां पर लगा लो सब्स्टिट्यूशन मेथड और पुट कर दो एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को टी, क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx is equal to dt, और बच्चों ये हो जाएगा y equal to dt by इसकी जगह t आ गया, इसकी जगह मैंने dt रख दिया है और 1 by t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c कर देना बच्चों, और t की जगह आप x सब्स्टिट्यूट कर दो एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस c, ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स।
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने शुरू शुरू में एग्जाम्पल लिया था। मुझे नहीं पता जनरली बच्चों, मुझे नहीं पता था क्वेश्चन है रियली इसके अंदर, जस्ट रैंडमली जो मेरे दिमाग में आया था मैंने वही सवाल उस टाइम पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया था। तो चलिए क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, ऑलरेडी हम करते आ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। कर दो बच्चों इंटीग्रेट दोनों तरफ, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस में सी। कुछ ज्यादा जल्दी हो गया सर ये तो, चलो थोड़ा स्लो समझाते हैं। स्लो में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पहले वेरिएबल सेपरेट, एक्स की सारी टर्म एक तरफ, y की सारी टर्म एक तरफ लिख दी मैंने। अब क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया भाई, dy अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर है और ये dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे y है तो y रखोगे, और यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री। आप ये सब चीजें बहुत बखूबी करते आ रहे हो, सेवन चैप्टर बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, ठीक है, आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर हो। बड़ा सिंपल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, आंसर था इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये तो हो गया बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, y log y dx इक्वल माइनस 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 बच्चों माइनस x इंटू dy बराबर। चलिए क्या करेंगे भाई, वेरिएबल सेपरेट करेंगे पहले तो। सो log y dx इक्वल टू x dy। अब y की टर्म सारी एक तरफ और x की टर्म सारी एक तरफ, तो y अगर आप देखोगे यहां पे dy है बच्चों, तो भाई ये वाली टर्म कहां जाएगी, ये इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी dy के नीचे। तो dy अपॉन y इंटू में log y, और dx बच्चों अकेला रह जाएगा, लेकिन x यहां पर है तो x इसके नीचे आ जाएगा। तो dx by x, चेक करो बच्चों वेरिएबल सेपरेबल ये होगा कि नहीं, और इंटीग्रेट कर देंगे। आप देख सकते हो यहां पे जो log y है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है भाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है इसका, मुझे तो नहीं आता डायरेक्ट इंटीग्रेशन, आपको याद है तो बात अलग है, बट याद रख सकते हो, वैसे तो याद रख सकते हो, log log y हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं करना, पुट करके दिखा दो बच्चों, वन मार्क्स की बात अलग है, बट थ्री नंबर में या दो नंबर में सवाल आएगा, पांच नंबर का इसमें से नहीं बनेगा शायद, इसमें से एक सवाल आपका दो नंबर में होगा और एक तीन नंबर में और एक एक नंबर में हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री वाला एक नंबर में आएगा बच्चों, देख लेना। चलिए 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 यहां कर दो बेटा पुट log y को t, क्योंकि इसी में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, log y का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन y, तो बच्चों ये जो है ना इसका पड़ोसी वाला y, वन बट्टा y, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये dt में चला जाएगा। तो वन अपॉन y इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। पुट कर दो सारी वैल्यू वहां पे, जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में t इक्वल टू dx by x। अब कर दो बच्चों इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और प्लस में log c। क्या बताया था, अगर सब में log आ रहा है तो कांस्टेंट में भी log लगा देना, अगर सब में log है तो कांस्टेंट में भी log लगा देना, ना इंसाफी मत करना इसके साथ। चलिए अब क्या करेंगे, log t का मॉडुलस तो हो जाएगा log x c, है ना बच्चों, log a प्लस log c क्या हो गया, log a प्लस log b, log a इंटू b, भाई log की प्रॉपर्टी लगी, ये log से log कट गए, ठीक है, तो t क्या आ जाएगा, x c हो जाएगा, और t को आप कर दो बैक सब्स्टिट्यूट, किससे करोगे बैक सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे t को आप बैक सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे log y से, तो किससे करोगे, log y इक्वल टू x c, भाई बच्चों दोनों तरफ क्या कर लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, तो एक्सपोनेंशियल एक्स सी हो जाएगा, भाई एक्सपोनेंशियल लॉग कट जाएगा तो भाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल एक्स सी आ जाएगी, है ना, एक्सपोनेंशियल से लॉग कट जाएगा, भाई दोनों को ना एक्सपोनेंशियल पावर में ले लेना, एक्सपोनेंशियल और लॉग कट जाता है, ये तरीका सीख लो, मेथड सीख लो। चलिए इसका ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, इस तरीके से आपका छठा सातवां सवाल की बोर्ड पे समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट बच्चा लोग, x की पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y की पावर 5। क्या करेंगे सर, वेरिएबल सेपरेट कर दो, ठीक है कर देते हैं बच्चों, सारी y की टर्म एक तरफ, सारी x की टर्म एक तरफ, है ना,
सारी वाई एक तरफ ले जाओ, सारा एक्स को एक तरफ लेके आ जाओ, तो क्या होगा बच्चों? अगर हम देखें यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई अपॉन वाई की पावर फाइव होगा। देखो बच्चों कोशिश करो कि वाई वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखो। क्या करोगे? वाई वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे, हमेशा कोशिश करा करो। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस डी एक्स बाई एक्स की पावर फाइव। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट जो भी नेगेटिव नेगेटिव है सब कुछ एक्स की तरफ भेज दो। यानी कि वही कहते हैं ना कि सारी चीजें एक्स को दे दो, ठीक है, और बस ओनली वाई को एकदम साफ सुथरा रखो। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? इंटीग्रेट कर दोगे। वाई वन अपॉन वाई की पावर फाइव है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो इसको वाई की पावर माइनस फाइव लिख दो और इसको एक्स की पावर माइनस फाइव लिख देना, दोनों तरफ यहाँ पे डी वाई लगा दो और वहां पे डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन वाई की पावर माइनस फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस फाइव प्लस वन अपॉन में माइनस फाइव प्लस वन और प्लस में सी हो जाएगा। क्यों किया बच्चों ऐसा? मैंने आपको बखूबी पता है इसके बारे में। क्या पता है? क्या पता है बखूबी आपको? बताओ जरा मुझे बेटा। सिंपल सी बात है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया है। क्या लगा दिया है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला लग गया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस वाई की पावर माइनस फोर अपॉन में माइनस फोर, और ये भी माइनस एक्स की पावर माइनस फोर अपॉन माइनस फोर प्लस सी। एक काम करो, सभी को माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फोर से वाई की पावर माइनस फोर और माइनस यानी प्लस में एक्स की पावर, ये माइनस माइनस कर जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स की पावर फोर, ठीक है, और क्योंकि मैं सबको माइनस से इंटू कर रहा हूँ माइनस फोर से बच्चों, ठीक है, तो ये प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे आके, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस फोर सी हो जाएगा। सभी को मैंने माइनस फोर से इंटू किया, दो माइनस फोर से फोर कट गया, माइनस फोर यानी एक फोर कट जाएगा, माइनस बचेगा, इधर लेके आऊंगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस फोर सी हो गया। माइनस फोर सी है भाई, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो माइनस फोर सी को आप सी ही लिख देना वापिस। तो बच्चों इसका आंसर हो गया वाई की पावर माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर प्लस में और बराबर सी के बराबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नाइन बच्चा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अहा, देखो हर कोई सोचता है कि अब ये सवाल जो है इसे वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बच्चे छोड़ देते हैं। मतलब बहुत सिंपल सा सवाल है, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है बच्चों, बस dx को वहां ले जाना है। फिर वो सोचते हैं इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर इसे, कितना टफ सवाल दे दिया। बिल्कुल, एक सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करना रियली टफ है थोड़ा सा, बट आप कर सकते, इतना टफ नहीं होता। टफ भी और टफ भी नहीं होता, क्या बोल रहे हो सर भाई, सही कह रहा हूँ। देखो बस करते आ रहे हैं ऐसे सवाल, ऐसा कुछ नहीं। तो बच्चा वही काम किया है कि एक्स की टर्म सारी एक तरफ कर दिया, वाई की टर्म को सारी एक तरफ ले लिया मैंने, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब देखो यहां लगा दो वन, और इसमें यूज करोगे आप आई लेट। जहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ना, वहां पे आप समझ आंख बंद करके आई लेट यूज कर लेना। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है तो बता रहा हूं, सिंगल साइन इनवर्स है और एक एलजेब्रा फंक्शन है, तो भाई आई लेट यूज कर लो, सिंपल सा आंसर है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे? इनवर्स, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रा यहाँ पे सेकंड फंक्शन। तो भाई जो यहाँ पे वन लिखा है ना मैंने डॉट करके, ये तो हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या था आई लेट के केस में? आई लेट के केस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन वन है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स तो बाहर आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों वन बाई वन प्लस सॉरी वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे भी वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी। ऐसे होगा ना, देखो वन का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स हो गया, तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे बच्चों, पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देना, और ये माइनस टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है,
एक्स डीएक्स की जगह आ जाएगा डी टी बट्टा दो आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रूट के अंदर टी आ जाएगा, ठीक है, और बच्चा कॉन्स्टेंट सी भी लगा देना। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, टू अंडर रूट टी होता है, और वन बाई टू भी है बच्चों यहाँ पे, और प्लस में सी, टू से टू कट गया, टी को कर दो बैक सब्स्टिट्यूट, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में टू अंडर रूट, और टी को पुट कर दोगे आप वन माइनस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस में सी। तो ये उसका बच्चों जनरल सॉल्यूशन है, देख लो जरा, छोटा सा सवाल था लग रहा था ना, और कितना लंबा इसका इंटीग्रेशन हुआ है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रस्थान करते हैं, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, डेली में इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है, एक मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया था sec square वाला, वो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स टेन वाई इंटू में डी एक्स प्लस वन माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू में sec square y इंटू डी वाई बराबर जीरो। आप क्या करोगे बच्चों, पहले वेरिएबल सेपरेट करोगे। अब देखो कई बार अभी तो फिलहाल 9.4 एक्सरसाइज जो है पूरा वेरिएबल सेपरेबल पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन सपोज अगर आपको रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो आप इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप देख के नहीं बता सकते कि भाई वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको कुछ अगर मतलब कुछ क्वेश्चन इक्वेशन ऐसी होती है जो देख के नहीं समझ में आती कि इनमें से कौन सी हो सकती है, तो आपको क्या करना होता है बच्चों, dy by dx पहले निकालना होता है, पहले आप दोनों टर्म को लेफ्ट और राइट में दोनों टर्म को पूरी तरह सेपरेट कर दो अच्छे से, जैसे ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x tan y इंटू में dx, और ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस वन इंटू में sec स्क्वायर y dy हो जाएगा। देखो बच्चों ये प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, बट माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस हो गया और वन माइनस में चला गया, ठीक है, माइनस साइन जो वहां जाके जाएगा ना जीरो की तरफ जाके माइनस जो इसका साइन चेंज होगा वो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर इंटू कर लिया। साफ साफ दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे कि भाई ये तो है वेरिएबल सेपरेबल, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो डी वाई की टर्म है, वाई की टर्म है, और यहाँ पे एक वाई की टर्म ये रही, ये पूरा एक्स है और यहाँ पे ये पूरा क्या है एक्स की वेरिएबल है, तो यानी ये सारे वेरिएबल x वाले एक तरफ कर लो और y वाले वेरिएबल एक तरफ कर लो। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, y वाला लिख रहा हूँ sec स्क्वायर y dy, ये बट्टा में आ जाएगा बच्चों, और ऐसा इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी करते आए हैं, ये एक्सपोनेंशियल x माइनस वन अपॉन में एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा बच्चों, नहीं 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 सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या आएगा एक्सपोनेंशियल x अपॉन में एक्सपोनेंशियल x माइनस में वन, ऐसा हो जाएगा बच्चों, देखो जरा एक्सपोनेंशियल x dx और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ वेरिएबल सेपरेबल ऐसे होगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो बेटा, क्या आएगा पुट कर दो tan इन y, tan y को आप t पुट कर दो, ठीक है, u लेट कर लो, tan y को u लेट कर लो, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा, और यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस वन को v लेट कर लेना, इसका डेरिवेटिव बच्चों हो गया sec स्क्वायर y dy इक्वल टू du, और इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x dx इज इक्वल टू dv हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे du और नीचे क्या आ जाएगा u, सेम यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों यानी कि dv और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों ओनली v आ जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, अगर आप देखोगे इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 बाई यू का log u हो जाएगा, इसका log u हो जाएगा, इसका log v हो जाएगा, और मैंने जैसे कि आपको बताया था जहां जहां log आ रहा है अगर सब में log आ रहा है तो कॉन्स्टेंट में भी log लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा log u इक्वल टू log bc हो जाएगा, लॉग से लॉग कट गया बच्चों, तो u इक्वल टू क्या हो गया बीसी हो गया, u की जगह आप क्या पुट कर दोगे tan y पुट कर दोगे, और v की जगह आप क्या पुट कर दोगे एक्सपोनेंशियल x माइनस वन पुट कर दोगे और इनटू में c, आई थिंक यही आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 10th क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, ओके। देखो बच्चों
अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया है वेरिएबल सेपरेबल का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि बाउंड्री कंडीशन इसमें गिवन होगी, एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी, उसे पुट करना है और आपको एक कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। 11 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन रीड करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में x। और बच्चों कंडीशन हमें गिवन है y इक्वल टू वन और x इक्वल टू जीरो, ये हमें दे रखी है, यानी जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू 1 है, तो हमें इसमें c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो कर दो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो डी वाई क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 इंटू में dx। अब क्या करें इससे आगे, क्या रास्ता है, ना तो यहां पे कोई सब्सटीट्यूशन होने वाला है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो बच्चों जब भी कॉम्प्लेक्स टर्म आती है तो जरूरी नहीं, अगर सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा है तो गो फॉर द नेक्स्ट मेथड, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्या पता वो हो रहा हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो बच्चों, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहां पे इसको पहले फैक्टराइज कर लो, यहां से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x प्लस 1 रह जाएगा और यहां पे भी x प्लस 1 रह गया, है ना बच्चों, देखो जरा यहां से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बचा टर्म और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया ये वाला। अब यहां पे देखो 2x स्क्वायर प्लस x, इफ यू सी इसलिए तो हो गया फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 में और इंटू में dx। अब ये सवाल बन गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आप क्या करोगे यहां पे, इसको आप कह दो फर्स्ट और यहां पे कर दो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x प्लस में 1, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा ax प्लस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c बाई x प्लस में 1, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x ax प्लस में b और इंटू में, जब आप इसको इंटू करोगे यहाँ पे भाई x स्क्वायर प्लस 1 तो कट जाएगा तो ओनली क्या बचा x प्लस में 1 और c इंटू में x स्क्वायर प्लस में 1। अब क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, थोड़ा सा और ऐसे कर लो उसको, ax इंटू x प्लस 1 और b इंटू में x प्लस में 1 और c इंटू में x स्क्वायर प्लस में 1। तो एक बार क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x को 0, जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, ये लेफ्ट वाली टर्म भी वैनिश हो जाएगी, यहां भी 0 आ जाएगा बच्चों, इफ यू सी अगर आप x को 0 लेट करते हो यहां पे ये टर्म वैनिश, ये 0 हो जाएगा, यहां पे 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और यहां पे 0 प्लस 1 c हो जाएगा, तो यहां पे जो पहला जो इक्वेशन आएगा b प्लस c वो तो बच्चा आ गया 0 के बराबर, यानी b की वैल्यू क्या होगी माइनस c होगी। चलो अब x प्लस 1 को 0 रख दो, इफ पुट x प्लस 1 को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू बच्चों माइनस 1 हो जाएगी, तो देखिए ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0 है ना, और यहां माइनस 1 रख दो, 2 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और माइनस में 1 तो 1 आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे माइनस 1 पुट करोगे माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 इंटू में 1 इज 1 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा ना, x की जगह माइनस 1 पुट कर रहे हैं, सेम यहाँ पे माइनस 1 पुट करोगे तो 2c हो जाएगा, c आ जाएगा हाफ और c हाफ आ गया तो b बच्चों क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, c और b की वैल्यू आ गई। तो अब निकालना है हमें a की वैल्यू, अब a की वैल्यू कैसे निकाले भाई, ये सारी वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। आप एक काम करो, ये x की जगह लेट कर लो, x को 1 पुट कर दो सब में, जब 1 पुट करोगे तो बच्चे 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया और यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 पुट करने पे 2a हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 2b और 2c आ जाएगा, 2b प्लस में 2c आ जाएगा, देखो b और c दोनों नेगेटिव है तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी, आप इसको ऐसे सोच सकते हो 2 कॉमन आ गया यहां से b प्लस में c और c किस b प्लस c किसके बराबर है बच्चों 0 के बराबर है, है ना, b प्लस c किसके बराबर है 0 के, तो बच्चे ये टर्म वैनिश, तो a की वैल्यू सिंपल क्या आ गई 3/2 आ गई। अब कर दो बच्चों इंटीग्रेट, तो dy इक्वल टू
यानी इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया भाई, ए की जगह क्या आ जाएगा 3/2x आ जाएगा, और बी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, और बट्टे में क्या x2+1, और सी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1/2, है ना, ये आ जाएगा 1/2 और अपॉन में x प्लस में 1 और इंटीग्रेट dx हो जाएगा। बच्चों अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत टेढ़ी खीर है सवाल। तो y यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 3, यानी कि इन सब में से 1/2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा x-1। और देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ ज्यादा टफ ना हो, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3/2x/(x)2+1 dx -1/2 dx/(x)2+1 और प्लस में 1/2 dx/(x+1। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्म्स को सेपरेट किया, 3/2x के नीचे ये लिख दिया, 1/2 के नीचे ये लिख दिया, और 1/2 के नीचे ये वाली नेक्स्ट थर्ड टर्म लिख दिया, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, यानी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन प्लस में होते हैं तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखिए यहां पे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो जाएगा, पुट x2+1 को t पुट कर दो, तो 2x dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा, तो एक तरह से हो जाएगा 3/2 dt/2 t ये आ जाएगा, माइनस में 1/2 बच्चों इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों 1/2 log x+1 हो जाएगा, और प्लस c लगा लेना। चलो अब ये मिटाना पड़ेगा, एक बार देख लो सारा का सारा, ठीक है, चले यहां से जगह कम पड़ गई है भाई, अच्छा चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या आ गया बच्चों इसका आंसर, y=3/2 to the 4 हो गया, 3/4, ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, log t हो जाएगा, -1/2 tan inverse x+1/2, और यहां पे आ जाएगा बच्चों log x+1 और प्लस में c हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 3/4 t को तो हम बैक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1+x² से, ठीक है, और -1/2 tan inverse x+1/2 log x+1 और प्लस में c। नाउ दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, बहुत तरीके है। चलिए भाई है थोड़ा सा लेंथी है तो क्या करें, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, बट हो गया फिलहाल, अभी हमें हमारा काम खत्म नहीं हुआ है भाई। बाउंड्री कंडीशन गिवन है, y1 और x0 है, तो भाई x की जगह 0 पुट कर दो जहां चाहे, और y की जगह 1 पुट कर दो, तो 1=3/4 log भाई 0 पुट करोगे log 1, 1/2 यहाँ पे 0 पुट करोगे tan इनवर्स 0, ठीक है, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 log 1, तो log 1 भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और प्लस में c है बच्चों, तो c क्या हो गया 1 हो गया, c क्या हो गया 1, इतनी मेहनत कर भाई c 1 निकालना था, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 log 1+x²-1/2 tan inverse x+1/2 log x+1 और प्लस में। ये आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बच्चों, बस इन्होंने सी को 1 निकालने के लिए इतनी पूरी रामायण और मेहनत करवा दी हम लोगों से, है ना। तो बच्चों यहां पे क्या करना होता है पर्टिकुलर में, एक्स और वाई की जो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होती है वो पुट करना होता है, उसके बाद एंड में आपको सी निकालना होता है भाई। इंटीग्रेशन प्रोसीजर कॉमन ही है जो आप करते आयो, कोई नया नहीं है ये। अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है आपके आंसर में मिल जाए बच्चों यहाँ पे, थोड़ा सा वेरिएशन का मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो दोनों लॉग को, तो ये करीब 1+x²³ और (x)² में आ सकता है, मतलब आपका ये जो आंसर इनको आप इकट्ठा कर लोगे तो बच्चा ऐसा हो जाएगा 1/4, वरना इतना भी छोड़ दो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, अदरवाइज इतना आप करके आ जाना, ठीक है, आप ऐसे लिख देना तब भी आप का आंसर ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, x²-1 dy/dx = क्या है, यहाँ पे 1 दे रखा है, और बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है y=0 और x=2, क्या करेंगे बच्चों, कर दो वेरिएबल सेपरेट,
तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में वन हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा और सोल्व करो, डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स माइनस वन और एक्स प्लस में वन, फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करोगे। अब देखिए ये सवाल वही है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो पार्शियल फ्रैक्शन का, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ किसका पार्शियल फ्रैक्शन, वन अपॉन एक्स इंटू में एक्स माइनस वन और एक्स प्लस में वन, तो ये बच्चों हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस में सी अपॉन में एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो इसको वन इक्वल टू ए इंटू में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस में वन और बी इंटू में एक्स इंटू में एक्स प्लस में वन और सी इंटू में यह आ जाएगा एक्स इंटू में एक्स माइनस में वन। ऐसा हो जाएगा बच्चों जब क्रॉस इंटू करोगे तो। अब यहाँ पे पुट कर लो, एक बार पुट कर दो एक्स माइनस वन को जीरो पुट कर दो, ठीक है, तो एक्स माइनस वन जीरो, तो ये वाली टर्म वैनिश और ये वाली टर्म वैनिश, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू वन पुट कर देना, तो वन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों वन और वन प्लस वन इज टू, सो टू भी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरे केस में आप कर देना एक्स प्लस वन को जीरो पुट कर देना इफ, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, यानी कि ये टर्म वैनिश और ये वाली टर्म वैनिश, यहाँ पे सी बचेगा, तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सी इंटू में माइनस सी इंटू में टू हो जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू अगेन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे क्या करना है एक्स को जीरो रख देना है, क्या कर देना आप बच्चों तीसरे केस में इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो पुट कर दो, तो अगेन वन इक्वल टू देखो ये वाली टर्म वैनिश ये वाली टर्म वैनिश, तो ए आ जाएगा जीरो माइनस वन इज माइनस वन और जीरो प्लस वन इज वन, तो माइनस ए इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन जो इसका हो गया वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू, यानी कि हम एक ही जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक ही जगह हम रख देंगे माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, है ना, इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको ए बी सी की वैल्यू, और बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों वन बाई टू अपॉन में एक्स माइनस में वन, और सी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा वन बाई टू अपॉन में एक्स प्लस में वन, और इंटीग्रेट कर दो आप बच्चों इसको वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ठीक है, वन बाई टू इंटू में अगेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स प्लस में वन और प्लस में सी लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस में क्या सी लिख देना ओनली, जस्ट ये हो जाएगा। अब कर रहे हो इसको सॉल्व बच्चों, देखो यहाँ पे ना टू से इंटू टू से डिवाइड कर देना और सारे टर्म को गैदर कर लो, तो ये टू अंदर जाके स्क्वायर में हो जाएगा, तो वन बाई टू लॉग एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, है ना, ये टू अंदर जाएगा माइनस में, तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे वन अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस में वन बाई टू लॉग एक्स प्लस में वन और प्लस में सी हो जाएगा बच्चों, तो वन बाई टू कॉमन आएगा, देखो सारी टर्म मल्टीप्लाई प्लस में है ना और सब में वन बाई टू कॉमन है, तो वन बाई टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो लॉग ए बी सी हो जाएगा और ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सी। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, यानी ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब क्या करना है हमें, हमें तो ये पुट करना है भाई, तो y की जगह जीरो रख दो क्योंकि ये तो है बच्चों जनरल सॉल्यूशन, ये क्या है भाई जनरल सॉल्यूशन आया है, जब y की जगह जीरो रखोगे और x की जगह टू रख देना तो ये आ जाएगा चार में से एक गया तीन और बट्टे में चार हो जाएगा प्लस में c, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू लॉग तीन बट्टा चार और इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग अंडर रूट थ्री बाई फोर, ठीक है, और वो भी नेगेटिव ऐसे फोर बाई थ्री करके, तो इससे आगे कर लेते हैं बच्चों, ये आएगा वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस में वन बाई टू लॉग थ्री बाई फोर करके आ जाएगा, आप चाहो तो वन बाई टू कॉमन निकाल लो फर्दर और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस में लॉग थ्री बाई फोर करके कुछ आंसर ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, और लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई भी हो जाता है, तो वन बाई टू लॉग क्या हो जाएगा बच्चों फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। ये क्या है बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सॉरी इसमें सी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन था और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो देख लीजिए ये कुछ ऐसे सवाल भी है जो इसमें आपको करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, cos ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा ये, ओके तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स ए हो जाएगा, और डी वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos इनवर्स ए इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट हो गया बच्चे ये। अब देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे cos इनवर्स ए का भी इंटीग्रेट करके आ जाते हैं। बच्चे कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, एक्स आ जाता है बस उसकी जगह, मतलब उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ए, एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। अब देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है, जो हमें गिवन है बाउंड्री कंडीशन, एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू वन है, तो यहां वन पुट कर दो बच्चों, यहां जीरो रख दो, सी आ जाएगा, सी प्लस जीरो प्लस सी सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी वन। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए प्लस में वन, ये इसका हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। सेम इसी तरीके से 14 क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर लो, सिंपल वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, डी वाई अपॉन में वाई इक्वल टू टेन एक्स इंटू में डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया बच्चों लॉग वाई, और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग सेट एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स के बराबर होता है, टेन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, और जब बताए कि सब में लॉग आ रहा है तो भाई कॉन्स्टेंट में भी लॉग लिख देना, इसको एक तरफ लिख दो, तो लॉग वाई मॉडुलस प्लस में लॉग कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा। बच्चों लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो गया, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग वाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा, दोनों कट गया, तो वाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये तो भाई जनरल सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई की वैल्यू वन पुट कर दो और एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि वन इंटू में कॉस जीरो इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों वन। अब जब सी वन आ गया है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई कॉस एक्स इक्वल टू वन, ये हमारा क्या है पर्टिकुलर सोल्यूशन। इससे आगे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, वाई अपॉन वन बाई कॉस एक्स और y की वैल्यू sec x, आई थिंक ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सो नाउ इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज भी खत्म होगी, यानी वेरिएबल सेपरेबल आज ये खत्म हो गया है, एक एक्सरसाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो पहला मेथड है वी हैव डन राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आऊंगा और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है उसके तरीके बताऊंगा। 9.5 एक्सरसाइज काफी लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी, आई नो दैट, थोड़ी लेंदी सवाल है उसके अंदर बहुत ज्यादा, बट लेकिन वी विल डू इट। सो गाइस आज की क्लास यही तक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू लेक्चर एंड न्यू एक्सरसाइज, सी यू, टाटा बाय।